अमरोहा शहर में केक काटकर मनाया शिक्षक दिवस। अमरोहा शहर के सिर्फ ब्रिलियंट एकेडमिक कॉलेज पुष्कर नगर में शिक्षक दिवस पर सभी शिक्षकों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर एकेडमी के प्रधानाचार्य रविकांत वर्मा, हर्षिता शर्मा, डॉक्टर सरकनी राधाकृष्ण की स्मृति पर माल्यार्पण करते हुए याद किया और सभी को शिक्षक दिवस की बधाई दी। इस अवसर पर हर्षिता शर्मा ने केक काटकर शिक्षक दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया। इस दौरान एकेडमी के छात्राओं ने सांस्कृतिक रंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए, जिसमें सभी अतिथियों का स्वागत गीत गाकर छात्राओं ने मन मोह लिया। हर्षिता शर्मा ने कहा कि गुरु शिष्य परंपरा भारत की संस्कृति का एक अहम और पवित्र हिस्सा है, जिसके कई स्वर्णिम उदाहरण इतिहास में दर्ज हैं। शिक्षक उस माली के समान हैं जो एक बगीचे को अलग अलग रंग रूप के फूलों से सजाता है, जो छात्रों को कांटों पर भी मुस्कुराकर चलने के लिए प्रेरित करता है। आज शिक्षा को हर घर तक पहुंचाने के लिए तमाम सरकारी प्रयास किए जा रहे हैं। शिक्षकों को वह भी सम्मान मिलना चाहिए जिसके वे हकदार हैं। एक गुरु ही शिक्षे में अच्छे चरित्र का निर्माण करता है। शिक्षक सही शिक्षे उन बातों को जानने की कोशिश करता है जो समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। शिक्षक के बिना शिक्षा संभव नहीं है। शिक्षक वह है जो खुद जलकर दूसरों को ज्ञान रोशनी देता है। इसलिए शिक्षक का हमेशा आदर और सम्मान करें। जो शिक्षक का आदर सम्मान करता है वह अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। एंड विश यू अ हैप्पी टीचर्स डे इन ऑल द टीचर्स। एंड फर्स्ट देखिए टीचर्स डे एवरी ईयर ऑन सितंबर 5 इंडिया सेलिब्रेट नेशनल टीचर्स डे। ठीक, इट्स आल्सो मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णा। एंड मैं अपने मतलब अपने क्या कहूँ वर्ड्स में कहना चाहती हूँ, टीचर्स तो हमारे शिक्षक मतलब एक मार्क हैं टीचर्स का, लेकिन सबसे प्रथम जो हमारी शिक्षक होती हैं वो हमारी माता होती है, हमारी मदर होती है। वो ही हमारे एक की ऑफ सक्सेस है हमारी लाइफ की। अगर हमारी मदर्स हमें अपनी अच्छी एजुकेशंस या अपने अच्छे एक्सपेक्ट हमें दूसरों की एक्सपेक्ट एजुकेशंस और फ्रीडम ना दें तो हम क्या करें। सेकेंड, हमारे टीचर्स का रोल हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए विदाउट टीचर हमारी लाइफ में कुछ मतलब इम्पॉसिबल नहीं। डॉक्टर, IAS, PCS सब कुछ बनने। देखिए हमारी की क्या फर्स्ट नर्सरी टू 12th एक टीचर के बेस पे तो होते हैं। नर्सरी, LKG, एक्स्ट्रा क्लासेस हम टीचर्स के बेस पे हैं। जैसा हमें टीचर्स हमें एजुकेट करेंगे, जैसा हमें टीचर लेसन करेंगे हमें पढ़ाएंगे, वैसे हम बच्चे बनेंगे। देखिए मैं अपना रोल बताती हूँ। मैं छोटी थी, मुझे टीचर्स ने बढ़ाया, आज मैं इतनी ऊँची उठी हूँ। मैंने एजुकेशन लाइन में यूँ, मैं टीचर्स लाइन में यूँ। मेरे सबसे ज़्यादा मेन रोल मेरी मम्मा का और मेरे टीचर्स का ही रहा है। देखिए हमारे ह्यूमन बीइंग के सबसे ज़्यादा क्या है, टीचर्स के ही मायने हैं। और मैं आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर टीचर्स का और बच्चों का भी। तो सबको मैं ही बोलना चाहूँगी ऑल यू विश वेरी हैप्पी टीचर्स डे। एंड सबको बच्चों को टीचर्स को भी अपने टीचर्स की रेस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करनी चाहिए और गर्ल्स के। लेकिन आज का हमारी सोसाइटी ऐसी होती है कि विदाउट एजुकेट कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। एजुकेट हर टीचर को अपने अच्छे से बच्चों को बहुत एजुकेट करना चाहिए। ये नहीं है मतलब जा रहे हैं बच्चों को कुछ नहीं पढ़ा रहे, बहुत अच्छा मतलब बच्चों को बहुत एजुकेट करिए, लड़कियों को चाहे लड़कों को बहुत एजुकेट करिए, मेरे मानना ये है। हमारे दो स्कूल हैं, शिव बिलन अकेडमी सुबोध नगर एंड शिव बिलन अकेडमी एट 88 रोड। देखिए हमारे स्कूल में टीचर्स वेल एजुकेटेड हैं, वो अपनी पूरी लगन से मेहनत से बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं। हमारे अभी लास्ट ईयर डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी रह चुका है वंश सैनी, हमारे स्कूल का डिस्ट्रिक्ट टॉपर है वो, और हमारे स्कूल का रिजल्ट 100% रह चुका है। हमारे स्कूल से कोई बच्चा फेल नहीं हुआ। हमारा चाहना है कि हमने स्कूल के बच्चों को वेल एजुकेटेड करें। और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने मेरे पापा के दो स्कूल हैं, मैं अपने पापा के स्कूल के साथ पूरा सहयोग करती हूँ। और देखिए हमारे प्रिंसिपल सर हैं गिरीश सर, सुनीता मैम, एक्सेक्टर टीचर्स हैं, वो पूरी मेहनत करते हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि हमारा स्कूल कहीं ऊँची तरक्कियों पर जाए। ये संदेश देना चाहूँगी, बस मेरा मानना ये है सबको टीचर्स जो हैं अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाएं, वो मतलब हमारा भारत बहुत ऊँची तरक्कियों पर जाए। और मैं अपने स्कूल के टीचर से यही कहना चाहूँगी कि हमारे दोनों स्कूल को बहुत ऊँची तरक्कियों पर लेकर जाएं, बच्चे हमारे स्कूल का नाम करें शिव ब्रिलियंट अकेडमी का। और क्योंकि मुझे भी बहुत खुशी होगी, मेरे पापा ने बहुत मेहनत करी है। हमारे स्कूल के टीचर्स मिस्टर गिरीश कुमार गोला सर को 10 ईयर्स प्लस हो चुके हैं,
ये बहुत मेहनत करते हैं और बहुत अच्छे से हमारे इसको स्कूल को संभाल रखा है। पहले मैं संभालती थी, अब देखो पूरी जिम्मेदारी मेरी सर पे ही है। हमारे स्कूल में टीचर्स जो हैं वो वेल एजुकेटेड हैं और देखिए हमारे स्कूल के टॉप रिजल्ट आपने देख चुका ही है सब कुछ। और सुनीता मैम है 8-9+ हो चुकी है और हमारे मैम का भी बहुत सारा सहयोग है मुझे, सारी इन्फॉर्मेशन गिरीश सर और सुनीता मैम से मुझे मिलती रहती है। कहना चाहता हूँ कि सभी शिक्षकों को, सम्मानित शिक्षकों को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। शिक्षक हमारे जीवन में विशेष महत्व रखता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सबसे पहले हमारा जो हमें संसार बनाते हैं, सांसारिक रूप में देते हैं, वो हमारे माता पिता होते हैं। उसके अलावा अगर हम देख बात करते हैं तो सबसे उसके बाद में हमारे गुरुजनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। लेकिन हम अपने जीवन को सुगम कैसे बनाएं, मैं एक उदाहरण यहाँ पर देना चाहता हूँ। जैसे कि जिस प्रकार एक कुम्हार होता है एक बेकार मिट्टी को भी बहुत मूल्यवान वस्तु बना देता है, तो उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार हमारे शिक्षक हैं, हम लोग शिक्षक हैं, शिक्षक भी अपने बच्चों को एक मूल्यवान वस्तु के रूप में तैयार कर देता है। विद्यालय में शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है, उस उपलक्ष्य में कुछ बच्चों ने अपने अपने सांस्कृतिक प्रोग्राम करके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को समर्पित किया है और टीचर्स के सम्मान के प्रति उनको कुछ बच्चों ने कुछ प्राइज़ दिए हैं या कुछ एक्सेप्ट है, उनको मान सम्मान, उनका आदर सत्कार किया है। ये प्रोग्राम हमारे विद्यालय में कंटिन्यू चल रहा है और मैं भी अपनी तरफ से अपने विद्यालय परिवार की ओर से सभी सम्मानित शिक्षकों को एक बार फिर से बधाई और साथ साथ आपको भी बधाई।